नमस्कार बच्चों, आज हम मासिक आकलन 2022-23 अगस्त मई का कक्षा 6 का हिंदी विषय का देखेंगे, जिसमें इसके कुछ क्वेश्चन हैं। पहला है, काज शब्द का तत्सम क्या होता है? इसमें इसका हो जाएगा काज होगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। दूसरा है, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है, इसमें क्या हो जाएगा? दुर् हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, विद्यार्थी का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी, ये पहला वाला हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, शब्दार्थ लिखना है किलकारी और आलस्य का, तो किलकारी का क्या लिख देंगे? अत्यंत हर्षित होने की अवस्था में बच्चों और बंदरों के मुख से निकलने वाली हंसी को क्या बोलते हैं? हम किलकारी बोलते हैं। क्या? अत्यंत हर्षित होने की अवस्था में बच्चों और बंदरों के मुख से निकलने वाली हंसी को आलस्य। आलस्य में लिखेंगे, ऐसी मानसिक या शारीरिक शिथिलता जिसके कारण कोई काम करने में मन ना लगे। क्या है? ऐसी मानसिक या शारीरिक शिथिलता जिसके कारण कोई काम करने में मन ना लगे, उसे क्या बोलेंगे? हम आलस्य बोलेंगे। पांचवा है, राह चलते यदि आपको 100 रुपये मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ये बताना है। उसका अच्छे कामों में यूज कर लेंगे। छठवा है, बालपन में किस प्रकार की विशेषताएँ देखने को मिलती हैं? नटखट रहते हैं, शैतानी करते हैं, और मतलब दो नंबर का है, लिखने हैं अपने हिसाब से। सातवां है, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है? ओह जीवन कितना सस्ता हो गया, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगाया, ओह के बाद लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा? विराम, विराम चिन्ह, ओह यहाँ पे लग जाएगा, जीवन कितना सस्ता हो गया है, फिर यहाँ पे लग जाएगा। मानव के पास मुँह ना होता तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, ये लिखना कि हम किसी से भी कुछ भी यदि चीज़ें की ज़रूरत होगी तो उनसे हम मंगा नहीं पाते या उनसे कुछ कह नहीं पाते, मतलब बहुत सी कठिनाइयाँ आती। नौवां है, आपको अपने परिवार सहित 2 दिन के लिए बाहर जाना है, आप समय का नियोजन कैसे करेंगे, बताइए, ये पूछा। अपने शब्दों में लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अठन्नी की जगह खपड़ा मिलने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये लिखना है। दसवां है, वर्षा जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के विषय में बड़ों से चर्चा का कर परियोजना बनाइए, परियोजना बनाना है कि हम वर्षा जल का संरक्षण कैसे करें, ये सब बताना है। इस प्रकार हमारे 10 के 10 प्रश्न पूरे होते हैं।